अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाह साहब, तेलंगाना मीसा फेडरेशन हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट, आपके सामने आज एक अहम मौजू के ऊपर बात करने आया हूं। आवाम को एक अहम इतला देने के लिए आया हूं। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से आज ओल्ड एज आसरा पेंशन 57 साल यानी 57 ईयर्स ओल्ड एज पेंशन को चालू किया गया है। इससे पहले भी ये सर्विस को चालू किया गया था, डेढ़ महीना ये सर्विस चली है, उसके बाद बंद हो गई थी। बाद में AIIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी चिनारायणगुट्टा MLA ने इस असेंबली सेक्शन के अंदर अहम मौजू को उठाते हुए चीफ मिनिस्टर और IT मिनिस्टर के साथ की नॉलेज में डाला था। इसको रखते हुए आज ये स्कीम को फिर से लागू किया गया है, यानी कल से स्कीम स्टार्ट हुई है। जो कोई भी ये सर्विस अब तक नहीं लिए, ये लोग अपने ही नियरेस्ट VCR में जाकर ये सर्विस को अप्लाई करें। अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स ये है: आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक पासबुक वो लिख जाए, और वोटर आई कार्ड भी लिख जाए। अगर किसी का वोटर आई कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड और वोटर आई बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं। सर, इसके चार्जेस क्या रहेंगे मी सेवा के? ये जीरो चार्जेस है मेरे भाई, जो भी नॉमिनल, इसकी तो कोई फीस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री दी जा रही है सर्विस। जैसे कि अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की जीरोक्स लगते हैं या फॉर्म का प्रिंट के लगते हैं तो वो आप लोग देना है वहाँ पे, इसकी कोई चार्जेस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल ये सर्विस फ्री दी गई है। इसके लास्ट डेट क्या रहेगी अगर एप्लीकेशन सबमिट करने की? देखिए सर, लास्ट अपडेट तो थोड़े दिन चली, यानी महीना डेढ़ महीने के करीब तक चली थी सर्विस, उसके बाद बंद हो गई। अब ये मे बी 15 दिन तक चलेंगे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस बंद हो गई थी, फिर बाद में पॉलिटिशियंस ने इसके ऊपर आवाज़ उठाकर KTR और KCR साहब की नॉलेज में ये बात लाई थी। लाने के बाद ये सर्विस को 11 तारीख के दिन लॉन्च किया गया फिर से। तो तमाम तेलंगाना की आवाम, शहर हैदराबाद की आवाम और अजला की आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये आसरा पेंशन को अप्लाई करें, क्योंकि पेंशन फिर बाद में अप्लाई करना है, ये उम्र के हिसाब से मिलता नहीं मिलता। अभी थोड़ा आप इसमें एक बात पे रोशनी ये डालिए कि इसमें जाति घर और किराएदार नहीं, ऐसा कोई जाति लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, ये सबके लिए सर्विस दी गई है। हर किसी का हक है पेंशन लेना, बशर्त ये है कि इनकी उम्र 57 साल रहना चाहिए, क्योंकि 57 साल से ये सर्विस स्टार्ट की गई है, क्योंकि फिर बाद में ये सर्विस आती नहीं आती पता नहीं। तो आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जितने भी लीडर्स हैं, जो भी है अपने अपने एरियों में, आप लोग आवाम को उजागर करें ये सर्विस के लिए, बताएं। बताने के बाद जो है ना पब्लिक को बाहर निकले, क्योंकि पब्लिक की नॉलेज में ये है कि सर्विस बंद हो गई बोलकर, बहुत ही कम पब्लिक को मालूम है कि सर्विस चालू हुई बोलकर। तो मैं आप तमाम आवाम से, मैं आपके चैनल के और फेसबुक के पेजेस के जरिए आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आसरा पेंशन को आप अप्लाई करें, इसकी सर्विस को इस्तेमाल हासिल करें। इंक्वायरी ऑफिसर्स आएंगे इसको? नहीं, देखिए इसका प्रोसीजर का यानी कि तरीका ये है: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक, अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी लिख जाए। वो लेकर जाने के बाद जो है कैंडिडेट खुद आना है, जिसकी उम्र 57 साल है, उन आकर अपना थम इम्प्रेशन देना है। थम इम्प्रेशन देते हैं, यहाँ पे वेरीफाई होकर इनको एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलती है। अब गवर्नमेंट क्या बाद में प्रोसीजर करता नहीं मालूम है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के वो डायरेक्टली अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर जो है वो भी एलिजिबल है? हाँ, जीरो अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीरो अकाउंट होल्डर है तो उसको ही पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अकाउंट होल्डर कौन सा भी रह सकता है, सेविंग और जो है जीरो अकाउंट होल्डर्स भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अप्लाई करने का सर कुछ चार्जेस नहीं? अप्लाई करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिसेवा के अंदर कोई फीस नहीं गिरी, लेकिन जो भी जीरोक्स वगैरह के चार्जेस रहते हैं आप दे सकते हैं। बहुत सारी जगह ये होता है कि मीसेवा में बोलते सो कहीं इतने पैसे देना पड़ता होगा, आप एक जिम्मेदार वाइस प्रेसिडेंट भी है, आप भी मीसेवा के, लेकिन थोड़े लोग के तरफ से दूसरा उनका भी है, नाम खराब हो सकता है। हाँ, उनके लिए अक्सर होता है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम निकालती तो कुछ होता है, जो बीच के मिडिल ईस्ट ब्रोकर्स रहते हैं एरिया के इधर उधर के, वो लोग क्या करते हैं वहाँ से, हेलो हाँ ये मीसेवा में काम हो रहा है, वो मीसेवा में काम हो रहा बोलकर लिख जाकर वो लोग पैसे ले लेते हैं यहाँ पे, खाली बस नॉमिनल जो भी जीरोक्स के फॉर्म के फिलअप करने के चार्जेस वगैरह दे के काम कराते हैं, बाद में बीच में वो लोग पैसे लेते हैं। ऐसे मिडिल ईस्ट ब्रोकर से मैं आवाम